फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ 30 बाय 35 फीट का नक्शा शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस नक्शे में हमारे पास 3 रूम्स, एक लिविंग एरिया, टॉयलेट ओपन टू स्काई, एक किचन और कारपोर्च हैं। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग प्लानिंग की गई है इसकी नक्शे की। तमाम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग 2D और 3D नक्शे, घर की कॉस्ट एस्टिमेशंस और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए टाइम बिना वेस्ट किए इस नक्शे की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो नक्शा है, ये हमारे पास 30 बाय 35 फीट का नक्शा है, यानी कि इसकी चौड़ाई 30 फीट है और इसकी लंबाई 35 फीट है। साउथ डायरेक्शन का ये प्लॉट है, यानी कि इसके जो बाकी 3 साइड्स हैं, बैक साइड वाली, फ्रंट बैक साइड, लेफ्ट और राइट साइड, दोस्तों उस तरफ हमारी प्रॉपर्टी नहीं, उस तरफ आप कोई डोर या विंडो वगैरह नहीं दे सकते। हमारी प्रॉपर्टी टूवर्ड्स साउथ है, यानी कि इस तरफ ये हमारी स्ट्रीट वाली साइड है या रोड वाली साइड है। तो इस तरफ से हमारी स्ट्रीट से हम आएंगे इस तरफ, तो इस जगह में हमारा एक मेन एंट्रेंस गेट लगेगा 8 फीट का। दोस्तों, 8 फीट के गेट से हम एंटर होंगे, तो हमारे पास ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये कारपोर्च का एरिया है, जिसका साइज़ है 14 फीट 2 इंचेस बाय 14 फीट, यानी कि 14 फीट 2 इंचेस इसकी चौड़ाई होगी और 14 फीट इसकी लंबाई होगी। दोस्तों, इसमें आपकी कार इजीली पार्क हो सकती है। प्लस इसी कारपोर्च में लेफ्ट साइड पर दोस्तों, इस एरिया में हमारे पास स्टेयर्स आएंगी जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगी। यानी कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पर रूम्स वगैरह बनाना चाहते हैं, सेकंड पोर्शन बनाना चाहते हैं, तो उस तक जाने के लिए स्टेयर्स यहां पर बनेंगी। इसके अलावा दोस्तों, कारपोर्च में बिल्कुल सामने हम आए तो इस जगह में हमारे एक 3 फीट का डोर लगेगा, 4 फीट का डोर लगेगा, जो कि घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल होगा। इस डोर से दोस्तों, इंटर होते ही हमारे पास ये जो बड़ा सा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये लिविंग एरिया है, यानी कि यहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल एरिया है एक घर के नक्शे में। इसका साइज़ है दोस्तों 9 फीट 7 इंचेस बाय 20 फीट 9 इंचेस, यानी कि इसकी चौड़ाई 20 फीट 9 इंचेस है और इसकी लंबाई 9 फीट 7 इंचेस है। इसी लिविंग एरिया में दोस्तों, हम अगर लेफ्ट साइड पर स्ट्रेट जाएं तो यहाँ पर ये जो डोर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे रूम 1 का है, मास्टर बेडरूम का है। 3 फीट का डोर लगेगा। इस डोर से एंटर होते ही हमारा रूम है, रूम 1 है, जिसका साइज़ है 12 फीट बाय 12 फीट, यानी कि 12 फीट चौड़ाई 12 फीट लंबाई। अब रूम 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास रोशनी और हवा का बंदोबस्त हो, यानी कि वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आप बिल्कुल रूम में एंड में बैक साइड पर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ओपन टू स्काई एरिया होगा, यानी कि यहाँ पर स्लैब नहीं आएगी, एक स्काई की तरफ एक्सपोज्ड होगा ये एरिया, जिससे रोशनी आएगी। यानी कि इस वॉल में हम यहाँ पर एक विंडो लगाएंगे, जिससे हमारे रूम 1 में रोशनी आएगी। दोस्तों, बिल्कुल अगर हम लिविंग एरिया में राइट साइड पर जाएं, तो ये हमारा रूम 2 होगा, एज अ चिल्ड्रन बेडरूम भी यूज़ हो सकता है, जिसका साइज़ है 10 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट, यानी इसकी चौड़ाई 10 फीट 6 इंचेस होगी और लंबाई 12 फीट होगी। एक बिल्कुल अच्छे साइजेस हैं दोनों रूम्स के। आपकी तमाम अलमारियां और बेड्स वगैरह सब इसमें इजीली आ सकते हैं। दोस्तों, रूम 2 में भी बिल्कुल सिमिलरली इस ओपन टू स्काई जो है हमारे पास, इसमें इस वॉल पे एक विंडो लगेगी, जिससे रूम 2 में रोशनी भी आएगी और हवा भी आएगी, यानी कि वेंटिलेशन का जो पर्पस है वो उस फुलफिल होगा। अब दोस्तों, हमारे पास लिविंग एरिया में हम जो ये वाला डोर जो आप देख रहे हैं, ये हमारे टॉयलेट का है। तो टॉयलेट जो होगा, एक कॉमन कंबाइंड टॉयलेट होगा पूरे घर के लिए, जिसका साइज़ है 5 फीट 4 इंचेस बाय 7 फीट 8 इंचेस। एक बड़ा ये टॉयलेट है दोस्तों, छोटा नहीं है ये, छोटे प्लॉट्स के लिए ये साइजेस बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा टॉयलेट। अब इसी लिविंग एरिया में बिल्कुल राइट साइड पर ये डोर हमारे किचन का है, यानी कि 7 फीट 8 इंचेस बाय 7 फीट बाय 8 फीट का किचन है, यानी कि चौड़ाई 7 फीट
और 8 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों एक नॉर्मल साइज़ है छोटे प्लॉट्स के लिए किचन का। इसमें भी आपकी तमाम चीज़ें, आपके फ्रिज, अलमारियाँ, आपके चूल्हे, ओवन वगैरह सब इसमें इजीली आ सकते हैं। तो ये तो था हमारा दोस्तों घर के अंदर वाला हिस्सा। और अगर बिल्कुल लिविंग एरिया में हम अब अगर पीछे की तरफ आएँ तो ये डोर जो आप देख रहे हैं 3 फीट का डोर होगा, ये गेस्ट रूम का डोर है। यानी कि इससे एंटर होते ही हमारे पास ये जो 14x12 फीट का रूम है, यानी कि इसकी चौड़ाई 14 फीट है और 12 फीट लंबाई है। एज अ गेस्ट रूम यूज़ होगा ये रूम, यानी कि अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप उन्हें इस रूम में बिठाएंगे। इसमें 2 डोर्स दिए गए, एक तो घर के अंदर की तरफ और एक स्ट्रीट की तरफ, यानी कि आप इस सेकंड जो डोर है इसको यूज़ करके आप अपने गेस्ट को यहाँ पर बिठा सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। किचन बिल्कुल करीब ही है घर के अंदर वाले डोर की तरफ, तो आप उन्हें अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस डोर में, इस वॉल में दोस्तों एक विंडो लगेगी जो कि हवा और रोशनी उससे आती रहेगी, प्लस एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी दिखेगी। बस एक चीज़ जो है वो किचन में दोस्तों कारपोर्ट्स की तरफ एक विंडो होगी, जिससे किचन की भी जो एग्जॉस्ट वगैरह होगी, स्मोक सब वो बाहर की तरफ निकलेगी और अच्छा भी दिखेगा। तो ये था हमारा दोस्तों 30x35 फीट का नक्शा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक नज़र आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको अपना भी कोई नक्शा बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट में साइजेस लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग सा नक्शा शेयर कर लूँ। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।